हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर न्यू व्लॉग। कि मैं अभी व्लॉग कर रही हूँ अप्रॉक्सीमेटली डेढ़ या दो महीने बाद। तो आप सब लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा कमेंट करके आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैं व्लॉग क्यों नहीं डाल रही हूँ। रीज़न कुछ मतलब कोई एक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा रीज़न है। पिछले दिनों मेरे साथ ना मतलब कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई जो मैं ना किसी को बता भी नहीं पा रही थी और किसी से कुछ शेयर नहीं कर पा रही थी। लेकिन ना ये भी मैं देख रही थी कि आप सब लोग ये चाहते हैं कि मैं ब्लॉग करूं और बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ है जो मैं ब्लॉग नहीं डाल रही हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली मैं शुरू कहाँ से करूं, क्या बताऊं क्या ना बताऊं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इस वजह से। तो एक्चुअली मेरा ना कुछ पर्सनल लाइफ में कुछ झोलमोल सा कुछ चल रहा था, इस वजह से मेरा कुछ मन ही नहीं करा बिल्कुल भी ब्लॉग वगैरह करने का। मेरे ब्लॉग वैसे बने हुए थे तो मैंने वो कुछ मतलब ब्रॉड डाटा था, मैंने कुछ अपलोड नहीं किया। मुझे ना पिछले दिनों काफ़ी ऐसा रियलाइज़ हुआ, इंसान अकेले ही आता है इस धरती पे ना, और वो अकेले ही जाता है। लेकिन है ना, इन दोनों चीज़ के बीच में जो गैप होता है ना, जब हम अपनी लाइफ जीते हैं उस टाइम के बीच में ना, हमें ना एक आदत हो जाती है, तो वो आदत हमें छूटती नहीं है, तो हम उस आदत के ना अडेप्ट हो जाते हैं। देखो सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है, तो फिर तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। तो मैं घर में थी बिल्कुल, मैं कहीं बाहर भी नहीं जा रही थी। तो इसी टाइम के बीच में मेरा बर्थडे भी आया 31 दिसंबर को, और 1 जनवरी भी था, तो मैंने कुछ भी सेलिब्रेट नहीं किया। मैं इस टाइम मैं बिल्कुल, मेरा लास्ट ब्लॉग मेरा डला था दिसंबर स्टार्टिंग डेज में, तो उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग ही नहीं किया, मन ही नहीं किया एक्चुअली कहीं बाहर जाने का। इवन कैमरा उठाने तक का भी मन नहीं किया, मेरा फ़ोन ऐसे ही पड़ा रहता था। मैं बताती हूँ मैं अपना माइंड कैसे डाइवर्ट करती थी। मैंने ना महाभारत मैंने कभी देखी, मतलब देखी थी तो इतने ध्यान से कभी नहीं देखी थी। और मेरे मन में ना मेरी लाइफ से ना रिलेटेड है ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए ना मेरा बिल्कुल दिमाग ख़राब हो गया था। तो मैं ना महाभारत की मैंने पूरी बुक पढ़ी, मतलब बुक नहीं पढ़ी, मैंने वो इसमें नेट से निकाल के पूरा मैंने महाभारत देखी स्टार्टिंग टू एंड। तो उसमें जो श्री कृष्ण जी है ना, तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी, तो मैं थोड़ा ठीक हुई। अब लाइफ में कभी भी अपसेट होना तो ना आप ना वो कभी आपने मतलब कि है ना हमारे भगवान के कुछ भी है ना, जैसे कि मैंने महाभारत पढ़ी, कुछ भी किताब आप पढ़ो किसी भी भगवान से रिलेटेड जिसकी लिए आपके मन में श्रद्धा है, तो मतलब जो श्री कृष्ण जी थे महाभारत में, तो वो मुझे ऐसा लगा कि वो अर्जुन की जगह मैं हूँ और कृष्ण जी मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे लाइफ के सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट में मेरी हेल्प करी। और इसी मतलब टाइम के बीच में मेरे घर में भी कुछ ठीक नहीं था, मेरे पापा थोड़ा हॉस्पिटलाइज भी हुए थे, जबकि मेरी गौरव से भी कोई बात नहीं चल रही थी। मेरी लाइफ में कोई भी नहीं था जिससे मैं मतलब कि कुछ शेयर कर पाऊँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी टाइम नहीं है बिल्कुल भी। तो मतलब मेनली यही है कि मैं अपना ब्लॉग वगैरह सब छोड़ दिया था, मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ इशू चल रहा था। और कुछ टाइम बाद फिर अब मेरी गौरव से बात हुई, तो अभी मैं हूँ शिमला में गौरव के साथ। तो ये शिमला का रूम है, कैसे हमारा प्लान बना और कैसे मैं दिल्ली से शिमला हम आए, तो वो आप आगे ब्लॉग में देखना। और मेरे चैनल को सपोर्ट करो, और लव यू जिसने मुझे मिस करा बहुत ज़्यादा। सो गाइज, अभी मैं बना रही हूँ सैंडविच हम सबके लिए, जो हम सारे जा रहे हैं। खाना गौरव लेकर आ रहा है और सैंडविच बनाने का मेरी ड्यूटी है, क्योंकि उनको सबको मेरे हाथ के सैंडविच बहुत पसंद है। तो इसमें कुछ टमाटर, शिमला मिर्च, खीरे वीरे। मम्मी कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद कैमरे में देख के मेरे को? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ? मैं तो बोलती थी ब्लॉग बना, तो मुझे सबके सब यही बोलते रहते थे कि ब्लॉग बना, लेकिन मैं ही नहीं मानती थी। और मम्मी तो मेरे सुबह शाम मम्मी बोलती थी यहाँ जा रही है तो ब्लॉग बना, वहाँ जा रही है ब्लॉग बना। तो मम्मी मैं जा रही हूँ शिमला। हाँ, तो मैं ब्लॉग बनाती भी जा रही हूँ। ठीक है, खुश? ऐसी अच्छी जर्नी होनी चाहिए और अच्छा सा ब्लॉग बनना चाहिए। अच्छा ब्लॉग बनना चाहिए। तो मैं बना रही हूँ सैंडविच और मम्मी बना रही है यहाँ पे चाय। दीदी बना रही है सैंडविच कैसे? हाथों से। आप बना रहे हो सैंडविच? ये जादू कैसे हुआ? ये अभी अभी हुआ थोड़ी देर पहले। तो फिर खाना कैसे बनाऊं? दो एक, मैंने तुझे बोला था बड़ी ब्रेड लाने के लिए, ये छोटी ब्रेड लेकर आई है। मेरे को लगा तो फिर बाहर से खाना खराब हो जाती है ना, सुबह तो आती है, मुझे लगा तेरे लिए इतनी भूख। दिमाग लड़ाने के लिए मना कर रहा है, तो बोलती ना कि मेरे घुटनों में दर्द हो जाता है, बता रखा है ना मैंने, मुझे पता नहीं था इसलिए। अगर मुझे बोलते ना कि तुझे बनाने के लेके भी जाने, तो मैं उस हिसाब से लेकर आती हूँ। मुझे ये था कि जा साड़ी पहन रखे जाओ लेकर।
मम्मी मैं चेंज कर रहा हूं 2 मिनट में। देख रहे मम्मी इसको, पहले खाने को तो दे दो। ये देखो बिना बोले मुंह मारना शुरू है ना। टेस्टी है, टेस्टी है। अब हो गई पेट पूजा, और तो नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। A few moments later. So guys, मैं आ चुकी हूँ जाने के लिए, बिल्कुल रेडी। और मैंने चेंज कर लिया है, मेरे बैग बिल्कुल रेडी है। और प्रणवी ये रही। मुझे भी लेके चलते हैं। पेपर है ना, एक्टिविटी है ना, प्रणवी की है ना एक्टिविटी है। और इसकी तो प्रणवी के ना स्कूल में चोट लग गई है, तो स्कूल में गिर गई थी। कैसे गिरी थी? मेरे जो बहन का बच्चा है ना शिवम, मेरे फ्रेंड ने ना उसको बैग दिया था, उसने ये कहा था प्रणवी को दे दे और ये कहते दिव्यांश को दे दे, पर उसने ना मेरे हाथ में नहीं दिया, उसने मेरे पैरों में फेंक दिया। पैर उलझा तो मैं पत्थर पे गिरी तो खरोच आ गई, लेकिन इसके लगी बहुत जोर। ये देखो नाक भी चली। तो गाइस अभी मम्मी मेरा डाल रही है खाना, तो थोड़ा सा खाना वाना खा के फिर मैं जाऊंगी। तो मम्मी ने बनाई है ये शाही पनीर, और ये देखो प्रणवी का बर्थडे था 1 जनवरी का, तो ये हमने कुछ बनाया था ऐसे। यहाँ पे मैं जा रही हूँ घूमने, ये भी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? हम दोनों बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। हाँ बता। सूप पीने जा रहे हैं और बस घूमने जा रहे हैं। तो देखो पीछे वो चल रही है हमारी रील मूवी ऐसे। ये देखो ये चोटी ऐसे बनती है इसकी। सभी मेरे फ्रेंड्स आ चुके हैं और मैं जा रही हूँ घूमी घूमी करने। बाय। आई लव यू। यू तो है ही नहीं, टू है। आई लव टू। तो मम्मी मैं जा रही हूँ, टाटा बाय बाय। बिस्मत करना मेरे को। हाँ, करूंगी, करूंगी। फोन करूँ तो उठा लेना। मम्मी देखो बाहर जाते हैं ना तो मेरे को फोन बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और मैसेज आपके दोस्तों के आते हैं वो आपको तो अच्छे लगते हैं? क्या बोला तूने? ओके बाय, मैं जा रही हूँ, मेरे जाने का टाइम हो गया है। पता है पापा ने बोला ध्यान से जाइयो, तो ना कह रही है क्या का? ये आपके बेटी तो ऐसे बहादुर है, जाने की जरूरत हाँ नहीं है। तो बाय। सो फाइनली गाइस मैं आ गई अपने घर से बाहर, और मैं अभी हूँ ऑन अ हाईवे। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं आई किसके साथ हूँ, तो बताती हूँ। तो मैं आई हूँ आज गौरव के साथ बहुत दिनों बाद। हाँ जी, अब ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही थी तू? वो बस है कोई स्टोरी तो मैं बता। तुम्हें जेलिसी तो नहीं हो रही थी? हैं? हैं? और बताओ कैसी हो? भाई घटिया एक्टिंग कर रही है भाई, कुछ जेलिसी नहीं हो रही थी भाई। अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिजी थी और मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। ऐसा ऐसा है क्या? मैं यही तो बुलवा रहा था। सिंगल हो गया? शिमला क्या करने आ रहे हैं? शिमला जा रहे हैं तुम्हारा ब्लॉग शूट करने के लिए, जो हॉरर ब्लॉग है बहुत ज्यादा वाला। सही सही सही। तो भाई तो इसका सामान वामान सब ऊपर डल लिया अपन ने। बड़ा बैग मेरा ही है, वो देखो ये वाला। छोटे बैग मेरा ना, एक बड़ा बैग और 4 छोटे बैग और है भाई। सबके ना 3 बैग है मेरे पास। बैग भाई लड़कियों को छोड़ देनी पड़ती है, मजबूरी है ना भाई। तो चले चलो जी, अभी निकल रहे हैं 12 बजे, सुबह 7 बजे तक अपन पहुंच भी जाएंगे। तो अभी हम चलते चलते पहुंच गए हरियाणा, हरियाणा अंबाला के। हरियाणा तो अब खत्म हो गया भाई, अब चंडीगढ़। एक मिनट, वो देखो लिखा है हरियाणा, हरियाणा। अच्छा। लिखा है हरियाणा, अभी अंबाला खत्म हो गया गाइस, अब चंडीगढ़ चालू हो जाएगा। 30-40 मिनट का रास्ता रह रहा है। अच्छा, और हम शिमला कितनी देर में पहुंचेंगे? शिमला हम सुबह 7 बजे पहुंचेंगे भाई। अच्छा हाँ भाई, बैक टू बैक चला रहा हूँ, मेरे को आ रही है बहुत तगड़ी नींद भाई। तो बोल रही हूँ कि ना गाड़ी छोड़ो मैं चलाती हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए थक चलाए हुए। तुम्हें चलानी है? तुम यार दिल्ली में सही चला लेते हो, हाईवे में पता नहीं चला पाओ या नहीं चला पाओ। 60-70 की स्पीड में कोई कट आ गया या कोई अचानक से आ गया, नहीं कंट्रोल नहीं कर पाती। ये क्या हर लड़कियां पैनिक हो जाती है। स्कूटी हो तो बताओ मैं अच्छे से। स्कूटी में तुम पता कितनी बारी गिरे हो? एक मिनट, वो इस वजह से गिरी हो क्योंकि है ना पीछे तुम इतने भारी भरकम मेरे पीछे बैठे रहते हो, इस वजह से। अदरवाइज मैं अकेली है ना, बहुत अच्छी स्कूटी चलाती हूं। मैंने इसको गिर लिया, 4 बारी गिरते हुए। वो पीछे हमेशा गौरव होते हैं तो ना इसलिए मैं गिर जाती हूँ, अदरवाइज है ना मैं कभी आपको ना मेरे घर के नीचे रहने दो। वो पता है अगर तुम मेरे पास आई थी मिलने, वो ऑटो वाला आ रहा था वहां भी टोक दी थी। वो मैं मतलब एक्साइटेड हो रही थी इसलिए मैंने टोक दी थी। मैं कोई बात नहीं, देखी जाएगी। तो गाइस
गाइस अभी हमने लिया है ब्रेक क्योंकि हमें लग रही है भूख और टाइम हो रहा है 6:30 सुबह के, तो ठंड बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। तो खाने के लिए सामान सारा निकाल रहे हैं। ठंड कैसी लग रही है पहले बताओ। कुल्फी, कुल्फी, कुल्फी। तो ये रहा हाथ, तुम ब्लैंकेट ओढ़ लो और मैं ठंड में कांपती हूँ। तो अभी हमें ना यहाँ पे रुके हैं कुछ, हम खाना लेकर आए थे, सब बना बना के लेकर आए थे, तो वो खाएंगे। ठंड में बहुत ठंड है। जो लोग कुछ नहीं पहन के आते हैं ना, शहनशाही दिखाते हैं अपनी, फिर वो कंबल ओढ़ कैसे घूमते हैं। मैंने वो... घर से खाना बना के लाए थे, चाय पैसे बचा रहा था गाइस, झूठ बोल रही है, 500 रुपए बचाए मैंने। तो अभी हम ये खाएंगे, पेट पूजा करेंगे। ए चाटो मत यार, ये साले ब्लॉगर ना इतने चाटते हैं भैंस के। अब ये पनीर है, ये आलू है, यार ब्लॉगर इतना क्यों पोस्ट करते हैं। खाना खाते हैं।